हेलो गाइस, मिस्टर सैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक काफ़ी शानदार एसी इन्वर्टर बनाकर दिखाने वाला हूं। गाइस, इस इन्वर्टर का फर्स्ट लुक यहां पे देख सकते हो कि जो देखने में है किस प्रकार से बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और गाइस, इसको बनाना भी बहुत आसान है। इसके अंदर काफ़ी अधिक एक्स्ट्रा फीचर भी हैं। मैं आपको यहाँ पर फीचर बता दूँ कि यहाँ पर आप किसी भी LED को, झालर लाइट को या फिर किसी भी AC एसोसिएशन को आप इसके अंदर लगा के काफ़ी ईजिली जो है यूज़ कर सकते हैं, उसको जला सकते हैं। एंड गाइस, अगर आपका पावर बैंक चार्ज करना है या फिर मोबाइल चार्ज करना है तो आप डायरेक्टली इसके अंदर अपने डेटा केबल को इन करके भी अपने मोबाइल और पावर बैंक या किसी भी चार्जर के सामान को चार्ज कर सकते हैं। और इसको बनाना बहुत आसान है और घर की चीज़ों से आप इसको इजीली बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप जो है स्टेप बाय स्टेप इसको घर पे बना सकते हैं। तो इसको बनाना बहुत आसान है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी को बनाने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा एंड एक प्यारा सा वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। एंड गाइस, अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये रहा हमारा इंस्टाग्राम ID, यहाँ पे आप हमको जाके फॉलो करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गाइस, इसकी जो बॉडी है उसको बनाने के लिए मैं यहाँ पे PVC पाइप का यूज़ करने वाला हूँ। और PVC पाइप में से मैंने यहाँ पे छोटा छोटा पीस कट कर लिया है और इन्हीं पीस को यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने सीट बना दिया है। अब इसी सीट का हमको एक शानदार बॉक्स बनाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो दो सीट है उसके ऊपर मैंने कुछ इस प्रकार का निशान डिजाइन मार दिया है, आपको वैसा कट कर लेना है। इनको जब चिपकाने के लिए आपको सुपर ग्लू का यूज़ करना है, काफ़ी मजबूती के साथ जो है ये चिपक जाते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बॉक्स बना के रेडी कर लिया है, देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब गाइस, इसके ऊपर हमको कटिंग करना है अपने कंपोनेंट को इसके अंदर लगाने के लिए। तो गाइस, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमको कौन कौन सा कंपोनेंट इसके अंदर यूज़ करना है, उसके अकॉर्डिंग इसको हमको कट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे AC सॉकेट यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे दो AC सॉकेट इसमें यूज़ करूँगा। उसके बाद यहाँ पे हमको पावर बैंक मॉड्यूल की जरूरत पड़ने वाली है, तो यहाँ पे मैं डबल पोर्ट का पावर बैंक मॉड्यूल ले लिया हूँ। उसके बाद गाइस, यहाँ पे जो स्विच है तो मैं यहाँ पे रॉकर स्विच वगैरह यूज़ करने वाला हूँ। तो इसके लिए कटिंग करना है, और कटिंग आपको किस प्रकार से करना है, सबसे पहले जो हम लोग का कंपोनेंट है उस कंपोनेंट के इसके ऊपर रख के एक आपको निशान लगा लेना है, उसी पर कटिंग करना है, एक्स्ट्रा कटिंग ना हो पाए। यहाँ पे आप देखते हो मैंने पहले निशान लगाया, उसके बाद इसको कट किया है। अब यहाँ पे मैंने चाकू को गर्म करके कट किया है, इसलिए जो है इसमें बहुत से अप डाउन है। अब हम लोग सैंड पेपर लेंगे, उसे इसको घिस के इसको पूरी तरह से स्मूथ बना देंगे, इसको फिनिशिंग दे देंगे ताकि देखने में अच्छा लगे। तो यहाँ पे आप देखते हो मैंने इसको अच्छी तरह से फिनिशिंग दे दिया है, अब जो है देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब गाइस, इसके अंदर हम लोग को कंपोनेंट लगाना है, उससे पहले हम लोग इसको पेंट करके चमका देते हैं, बाद में इसको हम लोग कंपोनेंट लगाएंगे। तो गाइस, जब तक ये पेंट इसके ऊपर का सूखेगा आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले गाइस, हमको यहाँ पे एक DC टू AC कन्वर्टर मदरबोर्ड की जरूरत पड़ने वाली है। ये आपको इजीली किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे मिल जाएगा बहुत ही सस्ते दाम में, तो मैं इसी का यूज़ करने वाला हूँ। और इस पर कनेक्शन करना भी बहुत ही आसान है, यहाँ पे सभी जो कनेक्शन है सामने के साइड में लिखे हुए हैं, आप इजीली पढ़ के भी कनेक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं कनेक्शन कर रहा हूँ तो आप देख के भी जो कनेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो है मैं 100 वाट का लिया हूँ, सस्ता मिल गया है, आप 150 वाट का या फिर 200 वाट का भी यूज़ कर सकते हैं, वो थोड़ा महंगा पड़ेगा। और गैस, यहाँ पे जब भी आपको वायर कनेक्शन करना है तो आपको थोड़ा हैवी वाला वायर यूज़ करना है, आपको पतला वायर यूज़ नहीं करना है। अगर आप पतला वायर यूज़ करेंगे तो वो जो वायर है बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, तो आपको जब भी यूज़ करना है जिस प्रकार से मैं यहाँ पे मोटा वाला वायर यूज़ कर रहा हूँ, इसी प्रकार से आपको भी थोड़ा हैवी वायर यूज़ करना है या फिर कॉपर का वायर यूज़ करना है। तो गैस, यहाँ पर मैं जितना भी कनेक्शन है फटाफट से कर ले रहा हूँ, और आपको इस पर लिखा हुआ है तो उसी अकॉर्डिंग जो आपका जो हम लोग का AC सॉकेट है, पावर बैंक मॉड्यूल है या फिर जो हम लोग का स्विच है उसमें कनेक्शन कर देना है। तो यहाँ पे जो है मैं दो बल्ब भी ले लिया हूँ, ये जो बल्ब है ग्रीन वाला बल्ब जो है हम लोग का ओवरलोड बताएगा, और रेड वाला बल्ब इंडिकेटर करेगा कि मतलब ये ऑन हो चुका है। अब गाइस, क्या करेंगे हम लोग कि इस पे जो कनेक्शन है इसका पूरा का पूरा जो हम लोग ने बॉडी बनाया है इस पे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो जो हम लोग का पेंट है वो अच्छी तरह से सूख चुका है, मैंने येल्लो और ग्रे कलर का पेंट किया है। ऊपर के साइड में जिसको पैक करना है उसको भी मैंने ग्रे कलर किया है, एंड पीछे के साइड का जो ढक्कन है उसको भी मैंने येलो किया है, और येल्लो और ग्रे का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अब हम लोग अपने कंपोनेंट को इसके अंदर फिट कर देंगे, तो जिस प्रकार से जहाँ जहाँ जिसके लिए कटिंग किए हैं वहाँ वहाँ उस कंपोनेंट को हम लोग लगा देंगे। और गाइस, ये जो कलर है येल्लो एंड ग्रे कैसा लगा आपको कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। और जो गाइस वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो क्वालिटी कैसी है, सब कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। एक वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे जो कंपोनेंट है उसको मैं लगा लिया हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद गाइस, अब इसमें मेरे को कनेक्शन करना है, तो मैंने यहाँ पे सभी कनेक्शन कर दिया है। जो AC का आउटपुट वायर था उसको मैंने दोनों सॉकेट में कनेक्ट कर दिया है स्विच के होते हुए स्विच से, और यहाँ पे सभी कनेक्शन हो चुका है। एक कनेक्शन बच गया है यहाँ पे गाइस, वो केबल है जो है पावर बैंक मॉड्यूल का, इसको हम लोग बाद में कनेक्शन करेंगे, मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि बाद मतलब इसको बाद में कनेक्ट क्यों करेंगे मैं आगे बता दूंगा वीडियो में। यहाँ पे एक वायर मैंने यहाँ निकाला है, इसमें हम लोग होल्डर कनेक्ट करेंगे AC बल्ब के लिए, यहाँ से हम लोग बैटरी कनेक्ट करेंगे। तो उससे पहले यहाँ पे मैंने दो जो है इसको सपोर्ट के लिए यहाँ पे लगा दिया है सीट का ही,
इसके अंदर मैं 12 वोल्ट की बैटरी यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं बाइक का बैटरी यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास था अच्छी क्वालिटी का बैटरी। आप यहाँ पे लिथियम पैक भी बनाकर 12 वोल्ट का इसके अंदर लगा सकते हैं, या फिर आपके पास जो 12 वोल्ट की बैटरी है उसको आप लगा सकते हैं। इस बैटरी को इसके अंदर लगाने के बाद इसको एक जगह रोकने के लिए हमको इसका एक होल्डर बनाना पड़ेगा। तो मैं पीवीसी शीट से ही इसका एक होल्डर बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने होल्डर बना लिया है। अब इस होल्डर को यहाँ पे स्क्रू की मदद से कस देंगे। जब भी हम लोग को बैटरी चेंज करना हो तो काफ़ी इजीली जो है हम लोग इस बैटरी का मतलब होल्डर का स्क्रू खोल के इसको निकाल सकें। यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छी तरह से मैंने कस दिया है। अब इसके अंदर पूरी तरह से सिक्योर हो गया है। अब बैटरी जो है नहीं गिरेगा इसके अंदर से और एक जगह परमानेंट फिक्स हो गया है। अब जो हम लोग का मदरबोर्ड का बैटरी का कनेक्शन था, जहाँ से हमको इसको इनपुट देना है, उसका प्लस वाला वायर प्लस में एंड माइनस वाला वायर जो है माइनस में हम लोग कनेक्ट कर देंगे। और गैस यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद एक बार हम लोग इसको ऑन कर कर देख लेंगे कि वर्क कर रहा है कि नहीं। बाय द वे कोई वायर वायर फॉल्ट तो नहीं है। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग यहाँ पे ऑन करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो बल्ब जल गया, इसका मतलब जो है 100% वर्केबल है। अब गैस उसके बाद जो पावर बैंक मॉड्यूल है इसका हम लोग कनेक्शन करेंगे। तो इसके अंदर हम लोग 12 वोल्ट बैटरी लगाए हैं, बट जो पावर बैंक मॉड्यूल है 5 वोल्ट का है, तो उसको हमको 5 वोल्ट देना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक मॉड्यूल यूज करने वाला हूँ। ए है, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे नाम भी इसका लिखा है, LM2596 DC-to-DC स्टेप डाउन बूस्टर, इसका पूरा नाम है। आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये जो है हमारे 48 वोल्ट को 2 वोल्ट तक कन्वर्ट करके दे सकता है। तो इसका मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसके आगे यहाँ पोटेंशियोमीटर लगा है, इससे हम लोग इसका जो वोल्टेज उसको डिक्रीज करेंगे। चलिए फटाफट से पहले इसका हम लोग वोल्टेज डिक्रीज कर लेते हैं। गैस यहाँ पे इसको मैंने 12 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया है। अब मैं अपने मल्टीमीटर से दिखा रहा हूँ कि फिलहाल में कितने वोल्ट पे सेट है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से पहले इसका आपको वोल्टेज चेक करा देता हूँ। तो फिलहाल में यहाँ पे जो है 8.5 वोल्ट के करीब पे सेट है। इसको हम लोग को 4 वोल्ट लाना है। इसके अंदर हम लोग 4 वोल्ट पर सेट करेंगे। 5 वोल्ट का मॉड्यूल है, बट इसको हम लोग 4 वोल्ट देंगे, क्योंकि उसको हम लोग लिथियम बैटरी चलाते हैं। तो लिथियम बैटरी जो है वो 4 वोल्ट की होती है, तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग उसको 4 वोल्ट देंगे, काफ़ी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे फटाफट से मैं पहले इसका वोल्टेज जो है उसको डिक्रीज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने पहले मल्टीमीटर को सेट करके, आपको टेस्टर वगैरह से या फिर किसी चीज़ से पोटेंशियोमीटर के अंदर एक स्क्रू टाइप का बना हुआ है, उसको आपको घुमाना है, तो इसका जो वोल्टेज वो डिक्रीज हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे अभी फिलहाल में 4.75 वोल्ट है, इसको हम लोग 4 वोल्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 4 वोल्ट हो चुका है। अब ये 100% अब हो चुका है हम लोग का जो प्रोजेक्ट है उसमें यूज़ करने के लिए। तो अब हम लोग फटाफट से इसका हम लोग यूज़ करेंगे। मैं आपको एक बार और अच्छी तरह से दिखा दे रहा हूँ कि कितने वोल्ट दे रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो 4.7 वोल्ट दे रहा है, काफ़ी अच्छा वोल्ट है। अब यहाँ पे इसका भी मैंने कनेक्शन कर दिया है। जो हम लोग का मॉड्यूल है उसको मैंने कनेक्ट कर दिया है 12 वोल्ट बैटरी से, और इस स्विच से होते हुए मैंने कनेक्ट किया है। जब भी स्विच ऑन करेंगे वो मॉड्यूल ऑन होगा, और जैसे ही मॉड्यूल में करंट जाएगा वो हम लोग सीधे पावर बैंक में देगा। सामने की साइड में मैंने एक LED लगा दिया है, इससे पता चले कि हम लोग का जो ये मॉड्यूल है ऑन हो चुका है, पावर बैंक मॉड्यूल ऑन है। तो यहाँ पे अब इसके अंदर हम लोग कोई से भी USB लगा के डायरेक्टली 12 वोल्ट से अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक ले लिया हूँ होल्डर, बल्ब होल्डर। अब इसको जो है जो मैंने होल्डर के लिए वायर लगाया था उसमें लगा दूंगा। यहाँ पे जो कवर है उसके ऊपर मैं देख सकता हूँ कि इस प्रकार से एक साइड में 3 इस प्रकार से छोटा छोटा पीस कर करके लगा दिया हूँ। इससे क्या होगा कि हम लोग उसको स्क्रू के थ्रू यहाँ पे रोकेंगे, तो उसमें हम लोग स्क्रू कसना है। तो यहाँ पे इसके साइड में नीचे निशान लगा के वहीं पर हम लोग स्क्रू लगा देंगे। पीछे की साइड का भी वही सेम सीन है, पीछे से भी वैसे ही हम लोग स्क्रू लगा के इसको कस देंगे। और गाइस जो हम लोग का होल्डर है, इस होल्डर को हमको लगाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे कटिंग करेंगे गोल सा, और उसमें जो हम लोग का होल्डर है उसको परमानेंट यहाँ पे फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने होल्डर को इसमें लगा के पहले सुपर ग्लू से चिपकाया, उसके बाद में हॉट ग्लू से चिपकाया कि बाद में कभी कवरे ना। अब क्या करेंगे कि सारा कनेक्शन हो चुका है, बट एक यहाँ कनेक्शन छूट गया था इस बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे DC सॉकेट लगा दिया हूँ। अब हम लोग डायरेक्टली जो बैटरी चार्जर अडाप्टर होता है उससे हम लोग इस बैटरी को फुल चार्ज कर सकते हैं। अब गैस हम लोग स्क्रू के थ्रू इसको पैक कर देते हैं। तो यहाँ पे अब इसको मैं फटाफट से पैक कर दूंगा। गैस यहाँ पे एक और चीज़ छूटा है, आप नोटिस नहीं किए होंगे। गैस सामने एक डिजिटल मीटर लगाना है जो कि बैटरी के कैपेसिटी को बताए, बट मैं ऑर्डर कर दिया हूँ, आने में भाई 5 दिन लगेंगे, 5 डेज। तो मैं बाद में इसको कटिंग करके सामने साइड में जो स्पेस है उसको मैंने छोड़ दिया है, वहीं पे अपने जो मीटर आएगा कैपेसिटी मीटर उसको मैं यहाँ पे लगा दूंगा। ऐसे पता चल जाएगा कि हम लोग की बैटरी कितने परसेंट अभी चार्ज है और कितने टाइम तक अभी चलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक हैंडल भी मैंने लगा दिया है इसमें उठाने के लिए इसको। अब ये पूरी तरह से बन के रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो इसका लुक जो है काफ़ी बढ़िया है। सामने के साइड में थोड़ा सा जगह बचा है आप देख सकते हो, तो उसमें मैं मीटर लगा दूंगा तो पूरी तरह से भर जाएगा। अब इसको आप कहीं ले जा सकते हैं, इसको कहीं पर भी इजिली रख सकते हैं, इस सारे काम आपके करेगा। और बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में, आप देख सकते हो। और दोनों कॉम्बिनेशन है कलर का वो भी बहुत ही है अच्छा है। अब इसका हम लोग फटाफट से जो है टेस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हम लोग ऑन कर दे रहे हैं तो इसमें जो है 3
एसी जो है तीन जगह जा रहा है, एक ऊपर होल्डर में और दो जो है दोनों साकिट में। तो अब मैं यहाँ पे एक 9 वाट की एलईडी बल्ब ले लिया हूँ, यहाँ पे देख सकते हो 9 वाट की है। अब मैं इसको इसमें लगा के आपको जला कर दिखा रहा हूँ कि इसकी जो रोशनी है वो कितनी ब्राइट है, और आगे भी बहुत टेस्टिंग करने वाले हैं हम लोग काफ़ी टाइम तक। तो यहाँ पे जैसे ही है लगा दिया हूँ। अब ये जो स्विच है बल्ब होल्डर का है, बट फिलहाल में वर्क नहीं करेगा। जो मेन स्विच है पहले पावर सप्लाई, एसी पावर सप्लाई का, उसको हमको ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑन करने के लिए मैं यहाँ पे जो नीचे वाला स्विच है उसको ऑन करूँगा, तो सारे में जो है एसी का पावर सप्लाई ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे हम लोग स्विच को ऑन करेंगे, यहाँ पे जो बल्ब है वो जलने लगा। अब देख सकते हो काफ़ी अच्छी तरह से जो है बल्ब जल रहा है। और जो नीचे का दोनों हम लोग का सॉकेट है, इसमें भी जो करंट आने लगा है। यहाँ पे मैं आपको एक मोबाइल चार्जर लगा के आपको दिखा रहा हूँ, मोबाइल चार्ज करके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका केबल को इस प्रकार से कर लेता हूँ, ताकि बहुत लोग कहेंगे कि मोबाइल किसी और केबल से चार्ज हो रहा है, यहाँ पे लगाया कोई और चार्जर है, तो ऐसा सीन ना हो। इसलिए मैं आपको ऐसा करके दिखा रहा हूँ, पूरा लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, इसमें कोई फेक नहीं है, ये 100% रियल है। अब गाइस इसमें मैं अपने मोबाइल को लगाता हूँ। यहाँ पे जो है मैं फास्ट चार्जर मोबाइल को चार्ज करके दिखाऊंगा, ऐसे जैसे कि मोबाइल जो है फास्ट चार्ज हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टर्बो चार्ज लिखा है, ऐसे नॉर्मली पावर बैंक आप लगाएंगे तो ऐसा नहीं लिखेगा। ये जो है फास्ट चार्जिंग कर रहा है हम लोग के जो मोबाइल है उसको। मैं आपको आगे भी और टेस्टिंग करके दिखा दे रहा हूँ। तो अब इसको हम लोग इससे बहुत चीज़ चला सकते हैं। मैं आपको एक और चीज़ चला के दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जो झालर लाइट वगैरह होती है, घर में हम लोग डेकोरेशन तो कर देते हैं बट लाइट चली जाती है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। अब इसको मैं जला के दिखा रहा हूँ, काफ़ी हाई पावर का होता है। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग यहाँ पे स्विच को ऑन करेंगे, एसी करंट आने लगा। तो यहाँ पे मेरा जो प्लग है वो ढीला है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी तरह से जो हम लोग का झालर लाइट है उसको भी एक बहुत ही अच्छी तरह से जला रहा है। और गाइस ये झालर लाइट के साथ सभी, मतलब इसके अंदर बहुत से, मतलब सभी फंक्शन का आप काम कर सकते हैं कहने का मतलब। यहाँ पे देख सकते हो जो बल्ब है वो भी जल रहा है एक साथ, यहाँ पे जो झालर है वो भी जल रहा है। अब मैं आपको यूएसबी का भी टेस्टिंग करके दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं एक डेटा केबल लूँगा और इस डेटा केबल को मैं यूएसबी के पोर्ट में, किसी एक पोर्ट में या फिर दोनों पोर्ट में डायरेक्ट एक साथ ही आप लगा के चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको भी चेक करके दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे एक मैंने लिया लिथियम बैटरी चार्जर, इसको मैं पहले इसमें लगा के आपको दिखा दे रहा हूँ, ऐसे पता चल जाएगा आपको भी। तो गाइस यहाँ पे जैसे ही हम लगाएंगे, तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे मैं वहाँ पे स्विच ऑन करूँगा तो वहाँ पे भी एलईडी जला और यहाँ पे भी एलईडी जला। मतलब जैसे हम लोग स्विच को ऑन करेंगे ये हम लोग का जो है करंट देने लगेगा, और जो भी हम लोग चीज़ से चार्ज करना चाहते हैं उसको इजीली जो है चार्ज कर सकते हैं। आप इसमें एक साथ कितने चीज़ चला सकते हैं, एक दो नीचे पोर्ट है तो दो और चीज़ चला सकते हैं, एंड ऊपर एक बल्ब जला सकते हैं। दो टाइप का यूएसबी लगा के आप केबल कोई भी चीज़ चार्ज कर सकते हैं। और गैस ये 100 वाट का है, तो आपको जितना भी काम करना है 100 वाट के अंदर, अगर 100 वाट के ऊपर करेंगे आप इसको लोड देंगे तो नीचे ग्रीन बल्ब जलने लगेगा, तो आपको उसमें से और चीज़ जो है कम कर देना है। सो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा, ये एसी इन्वर्टर कैसा लगा आपको नीचे कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो मिलते हैं किसी और नए इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ।